हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। नमस्कार, ज्योतिष ज्ञान में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए आज हम बात करते हैं कुंडली के द्वादश भावों के बारे में। इसमें हमने आपको कुंडली के 6 भाव पार्ट 1 में बताए। आपकी जो जन्म पत्रिका होती है, आपकी जो होरोस्कोप होती है, उसमें हर व्यक्ति की होरोस्कोप में 12 पार्ट होते हैं, 12 भाव होते हैं, 12 खाने होते हैं, यानी भाव कह लें, खाने कह लें, हाउस कह लें, इंग्लिश में हम कुछ भी इनको कह सकते हैं। हर भाव की अपनी एक विशेषता होती है, हर भाव किसी न किसी सब्जेक्ट का सूचक होता है। यानी कि जब हम आपकी जन्म पत्रिका देखते हैं तो आपकी जन्म पत्रिका के 12 भाव हमें बहुत कुछ बतलाते हैं। वहाँ विराजमान ग्रहों की स्थिति, युति, दशा, महादशा, अंतरदशा, बहुत सारी चीज़ों को, गोचर दशा को कैलकुलेट करके कहीं ना कहीं आपका शुभ अशुभ समय तय होता है और उसी के माध्यम से आपको उपचार उपाय आदि बताए जाते हैं। बहुत ज्योतिष के विद्यार्थी मुझे समय समय पर फ़ोन करते हैं, हमें ऐसे कमेंट्स लिख करके भेजते हैं, मेल्स आती हैं कि सर हमें इस बारे में और थोड़ा विस्तार से बताएं। तो हम प्रयास करते हैं, देखो सभी सब्जेक्ट को तो एक साथ पूर्ण करना संभव नहीं होता है, लेकिन हमारा प्रयास रहता है कि जो चीज़ हमें जस्ती है उसे हम आपके लिए बताते ज़रूर हैं। हमने पार्ट 1 में 6 भाव के बारे में बताया, प्रथम से लेकर के 6th हाउस तक, यानी कि प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव और हमारा छठा भाव। छठा भाव रिपु स्थान, शत्रु स्थान कहलाता है। यहाँ तक हमारी आपसे बात हो चुकी थी। अब आइए पार्ट 2 में हम बाकी के बचे 6 भाव भी जान लें। अब यहाँ हम सप्तम भाव से प्रारंभ करेंगे। अब देखो एक बार आप कुंडली देख लें, ये कुंडली आपके सामने है। आप इसमें प्रथम 6 भाव हम बता चुके हैं। अब 7वें भाव से, जहाँ 7 नंबर लिखा है, आगे 8 है, फिर 9, 10 अप टू 12, हम 7 नंबर से लेकर के 12 नंबर तक, अब हम आपको 7 टू 12 नंबर तक, हाउस तक हम आपको बताएंगे कि आपकी जन्म पत्रिका में इन भावों से, इन खानों से आप क्या क्या देख सकते हैं। अब एक चीज़, नए दर्शक भी जुड़ते रहते हैं, जहाँ इस पत्रिका में 7 नंबर लिखा है, ज़रूरी नहीं कि आपकी पत्रिका में यहाँ 7 नंबर लिखा हो। जहाँ 8 है, 9th है, 12th है, ज़रूरी नहीं वो ऐसे लिखा हो। आपकी पत्रिका में 1 से लेकर के 12 तक कोई भी राशि कहीं भी विराजमान हो सकती है, लेकिन भाव देखने का तरीका यही रहेगा, जहाँ 7 नंबर लिखा है ये 7वां भाव ही कहलाएगा। भले ही यहाँ चाहे 8 नंबर लिखा हो आपकी कुंडली में, भले चाहे अब 12 नंबर लिखा हो, 1 नंबर लिखा हो, लेकिन ये 7वां घर ही कहलाएगा। कई बार आप कन्फ्यूज़ हो जाते हो, जहाँ कहीं भी 1 लिखा हो उसे आप मान लेते हो पहला घर, कहीं भी लिखा हो 3 उसे मान लेते हो तीसरा घर। नहीं, ये ज्योतिष के रूल्स हैं। मैं आपको फिर एक पुरानी कुंडली दिखा देता हूँ, जो मैंने पहले भाव की आपको दिखाई थी, फिर उसको आप ध्यान से देख लें। ये देखिए, जहाँ 1 नंबर लिखा है ये प्रथम भाव है, जहाँ 2 नंबर लिखा है ये दूसरा घर कहलाएगा, तीसरा, चौथा, अप टू 6 तक आप समझिए। अब ये हम 6 तक बात कर चुके थे, अब फिर एक बार 7 नंबर वाली कुंडली देखिएगा, 7 से 12 तक। ये देखिए 7 टू 12 हमने आपको बताया कि अब 7वें भाव से हम जिक्र करेंगे और 12वें भाव तक। तो हम क्या क्या किसी भी इंसान की, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, और ज्योतिष में एक बात और ध्यान रखें हमारे ज्योतिष के विद्यार्थी, मेल फीमेल ना बोल करके एक शब्द यूज़ किया जाता है जिसका नाम होता है जातक। तो हम जातक जो शब्द यूज़ करते हैं एस्ट्रोलॉजर लोग, वो मेल और फीमेल को डिक्टेट करता है। ओके, तो किसी भी जातक की जन्म पत्रिका के सप्तम भाव से क्या क्या देखा जाता है, अष्टम भाव से क्या क्या देखा जाता है, दसम भाव से क्या क्या देखा जाता है, आइए इस पर हम एक चर्चा करते हैं। जाने सप्तम भाव से हम क्या क्या देखते हैं। सबसे पहली बात, इसको सप्तम भाव कहते हैं, और सप्तम भाव से
स्त्री, विवाह, स्वास्थ्य, कामेच्छा और किसी भी प्रकार का द्वंद्व, झगड़ा आदि देखा जाता है। अष्टम भाव यानी कि एर्थ हाउस, अष्टम भाव से मृत्यु, आयु, रोग, संकट आदि देखे जाते हैं। दर्शकों, किसी भी जातक की जन्म पत्रिका हो, मेल फीमेल की, उसका जो अष्टम भाव होगा वहाँ से आप उसकी आयु का विचार कर सकते हैं, वहाँ से आप उसके रोगों का भी विचार कर सकते हैं, व्याधियों का, संकटों का, मार्केश का, बहुत सारी चीज़ों का वहाँ से आप विचार कर सकते हैं। इसे हम आयु भाव भी कहते हैं, अष्टम भाव भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं नवम भाव की। नवम भाव को धर्म भाव भी कहा जाता है, नवम भाव को त्रिकोण भी कहते हैं, नवम भाव को भाग्य भाव भी कहते हैं। तभी तो कहते हैं आपके भाग्य भाव का स्वामी कहाँ है, आपका भाग्येश कहाँ आपकी जन्म पत्रिका में बैठा है। तो ये सारी चीज़ें आपके नवम भाव से देखी जाती हैं। आइए एक झलक देख लेते हैं नवम भाव से हम क्या क्या देखते हैं। नवम भाव से भाग्य, धर्म, विद्या, प्रवास, हालांकि विद्या पंचम भाव से भी देखा जाता है, प्रवास, बड़ी यात्राएं, तीर्थ यात्राएं और दान आदि की स्थिति नवम भाव से मेरे दर्शकों देखी जाती है। दसम भाव भी अति महत्वपूर्ण होता है आपकी पत्रिका में, हॉरोस्कोप में। दसम भाव से हम पिता की स्थिति, दसम भाव से आपके जॉब करेंगे या आप बिजनेस करेंगे, और बिजनेस करेंगे तो किस प्रकार का करेंगे, जॉब करेंगे तो किस प्रकार की करेंगे। दसम भाव ये भी तय करता है कि आप अपने बच्चे को क्या सब्जेक्ट दिलाएं। कन्फ्यूज़ हो जाते हैं ना, नाइन्थ के बाद बच्चा टेंथ लेता है, टेंथ के बाद फिर एकदम जब हमें उसकी दिशा चेंज करनी होती है, बच्चे को बायो में डालें या बच्चे को हम साइंस लेकर के आगे बढ़ाएं, कॉमर्स से आगे बढ़ाएं, आर्ट्स से आगे बढ़ाएं, ये सारी चीज़ें आपकी जन्म पत्रिका की दसम भाव की स्थिति भी बताती है कि आपका बच्चा किस दिशा में बहुत अच्छे से वर्क कर सकता है। ये दसम भाव से आप जॉब करेंगे या बिजनेस करेंगे, ये दसम भाव से। तो आइए एक नज़र डाल लेते हैं दसम भाव पर भी। दसम भाव से राज्य, पिता, नौकरी, व्यवसाय, जॉब एंड बिजनेस, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, योर नेम एंड फेम, ये सारी चीज़ें दसम भाव से देखी जाती हैं। एकादश भाव, ग्यारहवा घर, इलेवेंथ हाउस, अति महत्वपूर्ण, लाभ, प्रॉफिट। अब आप जॉब तो करेंगे तो आपको लाभ कितना होगा, और वही वाली बात है, पहले देखा जाएगा कि किस चीज़ को करें और फिर उससे लाभ कितना होगा। ये समय आपका लाभ का है या नुकसान का है, ये सारी स्थितियाँ भी एकादश भाव से देखी जाती हैं। आइए बताते हैं एकादश भाव पर भी थोड़ी आप निगाह डालें। एकादश भाव यानी कि ग्यारहवा घर, इससे भी आयु का मापदंड किया जाता है कि आपको जीवन शैली का लाभ, जीवन शक्ति का लाभ कितना मिलेगा, संपत्ति कैसी रहेगी, ऐश्वर्य कितना प्राप्त होगा। और किसी भी क्षेत्र में विशेष तौर से दसम भाव में दिए गए अंगित चीज़ों से आपको कितना लाभ मिलेगा, इस जीवन भूमि में, इस जीवन क्षेत्र में आपको कैसा कैसा लाभ मिलेगा, ये एकादश भाव से भी देखा जाता है। अब आता है द्वादश भाव, बारहवा घर, ट्वेल्थ हाउस, ये होता है खर्च का। यहाँ से भी हम व्यक्ति की आयु को मापते हैं कि आपकी जीवन शक्ति, जीवनी शक्ति कैसी रहेगी, अर्थात उसका खर्च तेजी से तो नहीं होगा। बारहवें घर को व्यय भाव भी कहते हैं, व्यय स्थान भी कहते हैं। आइए इस पर भी एक नज़र मार लेते हैं। द्वादश भाव में से हम हानि, लाभ, ऋण, रोग, आयु खर्च आदि भी माप लेते हैं। तो कहने का मतलब मेरे दर्शकों, आपकी जन्म पत्रिका प्रथम हाउस से लेकर के ट्वेल्थ हाउस तक आपका पूरा जीवन का क्रियाकलाप चलता है। पहला घर आपके चेहरे का, आपकी बहुत सुख दुख का, बहुत सारी चीज़ों का। दूसरा घर फिर हम बोलना सीखते हैं आपकी वाणी का, धन का। तीसरा बच्चा बड़ा होता है, पराक्रम, जोश का। चौथा घर
उसकी माँ का, उसके सुख का, नौकर चाकर आदि का, बहुत सारी चीज़ों का, ये मैंने बताया भी था। तो खैर बहुत सारी चीज़ें कमियाँ रह जाती हैं बताते वक्त, बहुत सारी चीज़ें देखो दिमाग से उतर जाती हैं, भूल जाते हैं। ये जो दो मैंने पार्ट आपको दिए, प्रथम हाउस से लेकर के सिक्स हाउस तक पार्ट वन बनाया था, आप जिन्होंने नहीं देखा वो देख लें। सेवन्थ हाउस से लेकर के ट्वेल्थ हाउस तक ये सेकंड पार्ट बनाया, आप दोनों को देखें। और इतना ही नहीं, इन ग्रहों के अलग अलग स्वरूप भी होते हैं, इनकी अलग अलग संज्ञाएँ भी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें। और साथ में ये भी देखा जाता है किस भाव का कारक ग्रह क्या है, किस भाव का कारक स्वामी कहाँ है, कहाँ बैठा है, किस ग्रह के साथ बैठा है, किस ग्रह की किसके साथ मित्रता है, किस ग्रह की किसके साथ शत्रुता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, पूरा एक गणित है दर्शकों। ये तभी तो कहते हैं ज्योतिष एक विज्ञान, ज्योतिष जो एक राह दिखाए, एक प्रकाश का रूप, जैसे एक अंधेरे में टॉर्च जल जाती है, तो ऐसे ही जीवन में कहीं ना कहीं इस गणित से, इस जोड़ तोड़ से हमें जीवन में लाभ हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो समय समय पर मैं अपने ज्योतिष के विद्यार्थियों को समझाने का प्रयास करता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ कहीं ना कहीं ये छोटा सा विशेषांक किसी न किसी की ज्योतिष जिज्ञासा को थोड़ा सा शांत कर सकता है। यदि आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अन्य बहुत सी रोचक जानकारी प्राप्त करने हेतु। और यदि आप अपनी जन्म पत्रिका संस्थान से दिखाना चाहते हैं, या हमसे व्यक्तिगत तौर पर मिलना चाहते हैं, या कहीं आप दूर दराज रहते हैं, आपके लिए दिल्ली आ पाना संभव नहीं है, ऐसी स्थिति में आप कॉल अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार। ऑर्डर्स मेरे पास लगभग ना के बराबर थे, मेरी फैक्ट्री लग रहा था कि शायद मुझे बंद करनी पड़ेगी, कोई दूसरा बिजनेस करना पड़ेगा। मैंने नाम बहुत कमा लिया लेकिन पैसा मेरे पास बिल्कुल नहीं। टीवी में एक छोटा सा मंत्र, अभी तंत्र मंत्र की बात हो रही थी, तांत्रिक मंत्र रहा होगा, मैं इतना अनुभवी नहीं हूँ, मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ। मैंने उस मंत्र को पढ़ा, रविवार के दिन उन्होंने पढ़ने के लिए बताया था, मैंने मंत्र पढ़ा, भंवर वीर तू चेला मेरा, खोल दुकान कहा कर मेरा। मैंने उन दानों को बिखेरा और आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं दोपहर के समय में ही मेरे पास फ़ोन आने लगे, ऑर्डर्स। आज की तारीख में मैं इतना परेशान हूँ, इतने ऑर्डर्स हैं मेरे पास, लेकिन आज भी मैं परेशान हूँ क्योंकि मैं उन ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। अभी भी मुझे आपकी ही शरण चाहिए, ऑर्डर्स मेरे पास बहुत हैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से समय समय पर देश के विभिन्न हिस्सों में मिल सकते हैं। अन्य दिनों में शर्मा जी अधिकतर दिल्ली में रहते हैं। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें।